हेलो भाई लोग, कैसे हो। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हो मेरा चैनल पोस्ट ग्रेजुएट गेमर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीवो की तरफ से आने वाला वीवो T3X के बारे में। कुछ दिन पहले वीवो T2X आया था, उसका सक्सेसर बोल सकते हो फ़ोन। इस फ़ोन का प्राइस अंडर 13,000 के अंदर है, ठीक है, तो आप वैल्यू फॉर मनी भी बोल सकते हो। आज इसी फ़ोन के बारे में देखेंगे यार, फ़ोन अच्छा है या बुरा है, ठीक है, गेमिंग के लिए है या नहीं, सारे के सारे भाई इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखो, अच्छा लगा तो भाई लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको केबल, पिन, एडाप्टर, केस सब कुछ मिल जाते हैं। दोस्तों आप देख लेते हैं फ़ोन का डिज़ाइन कैसा है। पीछे आप देख सकते हो प्लास्टिक है, मैट फिनिश है, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम लुक यहाँ पे दिया गया है। दो कलर्स में फ़ोन अवेलेबल है। 200 ग्राम के आसपास वेट बोल सकते हो, तो भारी भी नहीं है, इतना हल्का भी नहीं है, हैंडी है और साइड में फिंगरप्रिंट है। तो फ़ोन थोड़ा स्लिम है, मैं ज़्यादा मोटा नहीं बोलूँगा। तो भाई डिज़ाइन के मामले में फ़ोन एकदम ज़बरदस्त है, ठीक है, यहाँ पर कोई कटौती नहीं है। दोस्तों अब आते हैं फ़ोन का डिस्प्ले कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6.7 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन आता है। IP65 रेटिंग है। ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है। 1000 का पीक ब्राइटनेस आपको मिलता है, जो कि भाई बहुत ही होता है, ठीक है। आप जब बाहर जाओगे तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगा। यूट्यूब पर आप 4K 60fps पर वीडियो देख सकते हो, HDR को सपोर्ट करता है। तो डिस्प्ले के मामले में फ़ोन एकदम दोस्तों ज़बरदस्त है। इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है ये भी दोस्तों एकदम तगड़ा है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 मिलता है। 4nm प्रोसेसर है। एंटूटू स्कोर अराउंड 5.5 लाख का ऊपर है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो। अगर आपका प्रोसेसर का एंटूटू स्कोर 4.5 लाख का ऊपर जाता है तो बहुत ही अच्छा आप गेमिंग कर सकते हो, ठीक है। इस प्रोसेसर का एंटूटू स्कोर 5.5 लाख का ऊपर है, इसका मतलब आप बहुत ही एकदम मक्खन जैसे गेम एकदम चलेगा। यहाँ पे आप पबजी बोलो, फ्री फायर मैक्स बोलो, हाई सेटिंग पे खेल सकते हो। पबजी स्मूथ अल्ट्रा पे खेल सकते हो, फ्री फायर मैक्स भी अल्ट्रा पे खेल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जायरो भी अवेलेबल है। CPU थ्रॉटलिंग को एक बार देखिए, यहाँ पे हर टाइम ग्रीन पे रहता है, इसका मतलब फ़ोन एकदम आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देगा। तो प्रोसेसर के मामले में यहाँ पे कोई कटौती नहीं है, अंडर 13,000 ये प्रोसेसर आपको दिया गया है, ये बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। आप दोस्तों आते हैं फ़ोन का OS कैसा है। यहाँ पे आपको फनटच OS 14 मिल जाता है, एंड्रॉयड 14 मिल जाता है, 2 साल का मेन अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको मिल जाएगा। प्री इंस्टॉल ऐप्स आते हैं जो कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स वगैरह आते हैं जो कि आप सेटिंग्स में जाके ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे OS के मामले में यार कोई कटौती नहीं है, OS एकदम नीट क्लीन आप बोल सकते हो। अगर थोड़ा बहुत आप यहाँ पे सेटिंग्स को ऑफ कर दोगे तो एकदम नीट क्लीन फ़ोन हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं फ़ोन का कैमरा कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे कैमरा का जो बॉर्डर है, यहाँ पे गोल्डन टाइप का रिंग है जो कि देखने में भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीछे आपको 50MP का और 2 MP का बोके मिल जाता है, जो कि मेन कैमरा है 50MP का, ठीक है। यहाँ पे आप ब्राइट इमेज, कलरफुल इमेज निकाल सकते हो, ठीक है। इमेज का डिटेल भी बहुत ही अच्छा है। 4K तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सामने दोस्तों आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसपे आप 1080 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छा होता, लेकिन प्राइस के हिसाब से दोस्तों ठीक ठाक है। फ़ोन का जो साउंड है भाई वो भी अच्छा है। यहाँ पे आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर मिल जाता है जो कि बहुत ही लाउड है। 3.5mm जैक मिल जाता है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे साउंड को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सा अपडेट आया है दोस्तों। पहले वीवो का जो T2X था उसमें 5000 का बैटरी मिलता था, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको 6000 का बैटरी मिलता है और 44W का चार्जर भी मिल जाता है। जो बैटरी बैकअप है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो प्रोसेसर है 4nm प्रोसेसर है, तो अच्छा खासा आपको बैटरी बैकअप दे देगा। अगर आप मीडियम यूज़ करोगे तो एक दिन तक चल जाएगा आराम से। फ़ोन का कनेक्टिविटी सही है। यहाँ पे आपको डुअल बैंड वाईफाई, 5G, 4G प्लस सब कुछ मिल जाता है, तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, इस फ़ोन को लेना क्या सही होगा, ये क्या गेमिंग फ़ोन है, तो सब कुछ बताएंगे यार। पहले दोस्तों आपका बजट अगर कम है, टाइट है,
12 से 13 हज़ार रुपीस है। तो ये फ़ोन को आप आँख बंद करके ले सकते हो, ठीक है। इसका कैमरा थोड़ा डाउन है, सेल्फी कैमरा 8 MP का है। इसको छोड़ के भाई फ़ोन में यार सब कुछ एकदम टॉप क्लास है, ठीक है। अगर आपका बजट यार थोड़ा कम है तो ये वाला फ़ोन आप ज़रूर लेना, क्योंकि भाई ये वाला फ़ोन का जो प्रोसेसर है भाई बहुत ही यहाँ पे तगड़ा दिया है। लेकिन भाई 4 GB रैम वाला मत लेना, 6 GB या 8 GB रैम वाला मैं सजेस्ट करता हूँ। अगर आप ऑफ़र वगैरह लगा लेते हो तो 13 या 13.5 हज़ार के अंदर आपको मिल जाएगा। और एक बात दोस्तों, अगर आपके पास 1.5 या 2 हज़ार रुपीस एक्स्ट्रा है, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, तो रियलमी का P1 आप ज़रूर बाई करना, क्योंकि उसमें दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, अच्छा कैमरा है भाई, और प्रोसेसर भी बहुत ही तगड़ा है। उसके एंटी स्कोर 6 लाख के करीब है, ठीक है। 6 लाख या 6 लाख के ऊपर भी जाता है कभी कभार। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया है रियलमी का P1X, आप जाके देख सकते हो। तो फिलहाल आते हैं भाई इसी टॉपिक पे। इस फ़ोन में दोस्तों कोई कमियां नहीं है, एक वीवो का तरफ से आने वाला छोटा सा बजट फ़ोन है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा आपको दे रहा है। अगर आपके पास बजट थोड़ा टाइट है तो भाई ये फ़ोन को आप ज़रूर ले सकते हो, ठीक है। तो सोच समझ के लेना, पैसा आपका है। आज के लिए वीडियो दोस्तों इतना ही देखी था। अगर अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते किसी और वीडियो पे, तब तक ले यार बाय बाय।